कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है? एलिमेंट्री इवेंट बोलो या सिंपल इवेंट बोलो, एक ही चीज है। नाम से लग रहा सिंपल, एक ऐसी इवेंट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। बात नहीं समझ में आई? अभी हमने एक डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो करने में कितने सैंपल स्पेस बनते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम चाहते हैं कि नंबर जो अपर फेस है उस अपर फेस में लेस देन 2 नंबर आ जाए। तो लेस देन 2 का मतलब क्या आया? लेस देन 2 का मतलब 1 ही तो आया, यानी अपर फेस में लेस देन 2 नंबर आए, यानी 1 नंबर आए। किस तरीके से? यानी गेटिंग नंबर लेस देन 2। तो उसको किस इस तरीके से उसकी इवेंट लिखेंगे, इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट आ रहा है। देखो भाई सिंगल एलिमेंट है, 1 एलिमेंट आ रहा ना, जिसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। अभी हमने जो सैंपल स्पेस एस लिया था उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हमने कहा था कि नंबर लेस देन 2, तो नंबर लेस देन 2 में 1 ही आ रहा, एक एलिमेंट आ रहा, इसको पढ़ेंगे सिंपल एलिमेंट। थोड़ी सी कहानी बदल देते हैं। अब दूसरी हमारी इवेंट आ रही है कंपाउंड इवेंट। तो नाम से ही लग रहा है अभी ये इवेंट ई थी, अब हम दूसरा चेंज कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमने एक डाई को थ्रो किया, उस डाई को थ्रो करने में लेस देन 3 नंबर आए, यानी 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा क्या आ सकता है? या 1 आ जाए या 2 आ जाए। चलो उसको लिखते हैं, गेटिंग नंबर लेस देन 3, उसकी इवेंट हम बना लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगी, ध्यान से देखो, 1, 2, ठीक। यहाँ पे केवल 2 एलिमेंट आ रहे हैं ना, मोर देन 1 एलिमेंट, जब कभी भी मोर देन 1 एलिमेंट आ जाए तो वो इवेंट हो जाती है कंपाउंड इवेंट। बहुत छोटी सी बात थी, एलिमेंट इवेंट एक एलिमेंट हो, कंपाउंड इवेंट मोर देन 1 एलिमेंट। तो ये हमने 2 चीज़ें सीख ली। अब तीसरी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो नाम से ही लग रहा है इम्पॉसिबल इवेंट। अरे भाई इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ कि अभी हम तुमसे कह दें कि एक डाई को थ्रो किया और हम कह रहे हैं कि नंबर 8 आ जाए, तो नंबर 8 तो होते ही नहीं है, डाई में तो 6 मार्क्स ही होते हैं केवल, 8 तो आ ही नहीं सकता ना। तो जो चीज़ आ नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। याद रखना इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब हम बात करेंगे श्योर इवेंट की। हम किसकी बात करेंगे? श्योर इवेंट की। तो अभी देखो श्योर इवेंट एक ऐसी इवेंट जिसका एकम्प्लिशमेंट तो होना ही है, यानी वो तो होनी ही है, यानी 100% ही होनी। तो ऐसी इवेंट जो 101% होनी है, 100% होनी है, उनको बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रायोरिटी हमेशा 1 होती है। अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा है श्योर इवेंट से, ज़रा बच्चे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी हम क्या ले रहे हैं, अभी हम एक सैंपल स्पेस ले रहे हैं डाई का ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। ये हमने एक डाई ली, डाई में सैंपल स्पेस ये बनेंगे। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि नंबर, हमने डाई को थ्रो किया, हम चाहते हैं कि जो ये फेस अपर फेस में लेस देन 7 नंबर आए, तो लेस देन 7 में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आप ध्यान से देखिए कि जब हम लेस देन 7 की बात कर रहे हैं तो हमें पूरा पूरा सैंपल स्पेस ही तो उठ के मिल रहा है। देखो ना लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा वही सैंपल स्पेस ही तो आ रहा है। तो बस यही श्योर इवेंट की खासियत होती है कि श्योर इवेंट में पूरा पूरा हमारा सैंपल स्पेस फिर से वापस आ जाता है। ये होता है श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट
लेकिन लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम आपसे एक बात करेंगे, छोटी छोटी कहानियाँ हैं हम बात करेंगे, समझ लो क्योंकि इसमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। हम बात करते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, एक सेट बी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4। हम चाहते हैं साहब इसका यूनियन निकालो, हम चाहते हैं इन दोनों का यूनियन निकालो, तो यूनियन का मतलब हुआ ए और ऐसे साइन बना देना यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालना है, तो यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिखो वन टाइम्स, सारे एलिमेंट्स को लिखो एक एक बार, तुम क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4। याद रहे रिपीट ना करना, यहाँ 2, 2 है लेकिन सिंगल ही, जो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहाँ रिपीट नहीं करोगे। तो ये हमारा क्या हुआ यूनियन, हम यहाँ लिख देते हैं जिससे कि आपको अभी, क्योंकि हम ये समझाएंगे ना तो वहाँ चीज़ यूज़ होगी है यूनियन। अब हम बात करते हैं अगर हम साइन ऐसे कर दें, उल्टा ऐसे कर दें, तो इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है 2 और 3, तो रिजल्ट आ गया 2 और 3। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। यूनियन सारे एलिमेंट्स एक एक बार लिख लेंगे, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। इसको नोट करना क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। अब जरा हम लोग बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको हम इरेज करें क्योंकि हमें मालूम है आपने नोट कर लिया होगा। चलो बहुत इत्मीनान से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जास्टिव इवेंट, दैट्स इट, ख़त्म। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके और कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे। अभी हमारे पास वही पुराना एक डाई को थ्रो किया, तो उसी तरीके से एक डाई का केस लेते हैं, एस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। एक इवेंट ई ले रहे हैं ऑड नंबर की, एक इवेंट एफ लेंगे इवेंट नंबर की, चलो एक एक लेते हैं। गेटिंग इवेंट नंबर, तो एक इवेंट ई ले रहे हैं जहां पे हमें डाई को थ्रो करने में हमें इवेंट नंबर मिले, तो वो हमने ई से डिनोट कर दी इसको। और इवेंट नंबर क्या हो सकते हैं 2, 4, 6, ठीक। एक इवेंट हम ले रहे हैं जहां पे ऑड नंबर मिलने वाला है, तो हम यहां लिखे ले रहे हैं गेटिंग ऑड नंबर, उसका हमने नाम दे दिया एफ। इसको इस तरीके से लिखेंगे, ऑड नंबर में क्या आने वाला 1, 3 और 5, ठीक है ना। एक नंबर ले लेते हैं जहां पे एग्जैक्टली 6 नंबर आ जाए, वो हमने जी इवेंट ले लेनी, गेटिंग नंबर 6, उसको हम जी से डिनोट करेंगे। सो जी इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो भाई, अब इन तीन इवेंट में ही सारी कहानियां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की और एग्जास्टिव इवेंट दोनों को हम समझा देते हैं एक बार में, इसी में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो जरा, ई और एफ कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है 2, 4, 6, 1, 3, 5, कुछ कॉमन दिख रहा है जी? नहीं, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, यानी ई और एफ में कोई भी कॉमन, यानी हमने इंटरसेक्शन निकाला हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, तो उसको हम पढ़ते हैं ई इंटर। अच्छा, जब कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता ना तो उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, 0 ऐसे करना, एक ऐसे लाइन ड्रा कर देना, इसको फाई से पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ा जाएगा फाई। याद रहे फाई को ब्रैकेट में नहीं लिखते, तो आप ध्यान से देखिए क्या ई और एफ में कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है? हमारा आंसर है नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। तो ऐसी इवेंट जहाँ पे कोई भी दो ऐसी इवेंट जहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है, उसको पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो ना, अच्छा एक ये भी खासियत है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक साथ नहीं चलती, यानी दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं चलती, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, अच्छा ध्यान से देखो जरा, अगर हम ई और एफ का यूनियन निकालें, ई और एफ का क्या निकालें
यूनियन, अभी हमने तुम्हें बताया था यूनियन क्या होता है, सारे नंबर्स लिखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर हम इनका यूनियन निकालें तो सारे नंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, सैम्पल स्पेस। ऐसी दो इवेंट जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस बना दे, ऐसी दो इवेंट जिनका यूनियन लेने पर वो सैम्पल स्पेस बना दे उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन एलिमेंट। देखो बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट यहाँ दिख नहीं रहा था ना, विजिबल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है, ऐसी दो इवेंट जिनका यूनियन लेने पर हमें फिर से सैंपल स्पेस मिल जाए वो हो जाती है एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने आपको बात बता दी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अब हमें पढ़नी होगी निगेशन ऑफ इवेंट और बाकी क्लासिकल अप्रोच पढ़नी होगी, और वो हम लोग अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक्स लॉट।